गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बढ़ती जनसंख्या का भयावह अर्थात भयानक रूप या जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल इस विषय पर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्या, यदि जनसंख्या विहीन हो जाने पर राष्ट्र का अस्तित्व का अर्थ वजूद समाप्त हो जाता है, तो जनसंख्या का बेकाबू होना भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए खतरा है। किसी राष्ट्र की जनसंख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी साधन संपन्नता अर्थात साधनों की अधिकता राष्ट्र के पास है। आज की जनसंख्या 100 करोड़ की संख्या को पार करते ही भारत के सामने खतरे की घंटी बजने लगी है। भारत में बढ़ती जनसंख्या विकराल का अर्थ भयंकर रूप ले चुकी है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न पैदा हो गई हैं। निर्धनता, गरीबी बढ़ती जा रही है। रहने के लिए मकानों का अभाव, अभाव का अर्थ कमी, रहने के लिए मकानों का अभाव होता जा रहा है। लोग विवश का अर्थ मजबूर होकर झुग्गी झोंपड़ियों में रहने लगे हैं। गंदी बस्तियों में रहने के कारण मनुष्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में रोगियों को रखने के लिए स्थान नहीं है। विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश मिलने में जितनी कठिनाई हो रही है उसे माता पिता ही जानते हैं। अनाज और खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? खाने योग्य पदार्थ। अनाज और खाने योग्य पदार्थों के दाम, दाम का अर्थ कीमत, आकाश को छूने लगे हैं। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें चींटी की चाल से चलने लगी हैं। बेरोजगारी के कारण युवक युवतियां परेशान हैं। अधिक जनसंख्या के चलते बेरोजगारी, गरीबी आदि समस्याएं पैदा हुई है। आभास का अर्थ रहने के लिए, आभास रहने के लिए कृषि योग्य भूमि, कृषि का अर्थ खेती योग्य भूमि और जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। इन समस्त का अर्थ सारी समस्याओं का मूल कारण बढ़ती जनसंख्या है। बढ़ते अधिक बच्चे, कम सुविधाएं, जितने अधिक बच्चे होंगे उतनी ही अधिक परेशानियां होंगी। प्रत्येक बच्चे के पालन पोषण और उसे उचित शिक्षा दिलाने के लिए माता पिता को अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। दमन मतलब उनको दबाना पड़ता है। नियंत्रण की, जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता क्यों? यदि जनसंख्या यूं ही बढ़ती रही तो लोगों के समक्ष, समक्ष का अर्थ सामने, रोटी कपड़ा और मकान की बिकट भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, उत्पन्न का अर्थ पैदा हो जाएगी। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक हो गया है। जनसंख्या को कंट्रोल करना आवश्यक हो गया है। नियंत्रण कैसे करें? इसके लिए जरूरी है कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। जनता को परिवार नियोजन साधन अपनाने हेतु का अर्थ लिए अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण हेतु के लिए कानून लाया जाए। जनसंख्या कम होने से देश भी खुशहाल। निष्कर्ष, जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए आवश्यक है कि हर नागरिक अपने परिवार को सीमित रखे, 2 से अधिक संतान को जन्म ना दे, लड़के लड़की को एक समान माने से भी जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। आज भारत में जनसंख्या रोकने के उपायों की या प्रोत्साहन की कमी नहीं है, कमी है समाज की इच्छा शक्ति की। जब तक समाज अपनी विचारधारा में परिवर्तन नहीं लाता, जनसंख्या को रोका नहीं जा सकता। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।